अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शाम के 4:30 बजे तक कशिर खबर नाम है चुस बु साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। एल जी मनोज सिन्हा जमिस मंज एकिस तकरीबी दौरान वोनमुत पर्नस लेखनस सूच सूच गिंदन द्रकुन ते सठा जरूरी युत जन तलब इलमन हिज फिजिकल फिटनेस बरकरार रोजे यल जन तिमो वोन जी यही वजह चुज मौजूद मरकजी सरकार तरफ च गिंदनस द्रकनस हवाले कया अहम कदम ते तुलना आम। अभी स्पोर्ट्स कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है बल्कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैथ साइंस सोशल साइंस की तरह कोर सब्जेक्ट के रूप में ही इसे माना जाना चाहिए। स्पोर्ट्स वह माध्यम है जो हमारे नौजवानों को साहस देता है, उनके सामने नए लक्ष्य तय करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। इंडिया का नारा यह महज स्लोगन नहीं है बल्कि सोच समझ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा पीढ़ी को वो रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर तरक्की की नई बुलंदी को देश का नौजवान छू सकता है। वो फिट इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, स्टार्टअप्स के लिए अवसर हो, इनोवेशन हो, इन्वेंशन के लिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक आधुनिक सुविधाओं का निर्माण हो, इसकी कोशिश हो रही है। यह सभी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए किया जा रहा है ताकि आप सिर्फ डिग्री लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय से न निकलें बल्कि आपका व्यक्तित्व एक ऐसे योद्धा का बने जो अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से केवल आपका भविष्य नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और देश का भविष्य भी बना सके। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक छोटी घटना का जिक्र मैं करूंगा, आप में से कुछ लोगों ने इसे सुना होगा। 1969 में चंद्रमा पर जाने वाले मिशन में रॉकेट बनाने वाले इंजीनियर का नाम जानते हैं? कई विद्यार्थी हैं, वॉन ब्राउन था। मिशन के कई साल बाद 1975 में उनका एक इंटरव्यू छपा और पत्रकार ने पूछा ब्राउन से कि आपको उस समय कैसा लग रहा था जब पहली बार आपके रॉकेट की वजह से इंसान चंद्रमा पर पहुंचा था। जानते हैं मित्रों ब्राउन का जवाब क्या था? उसने कहा कि मेरे मन में एक ही ख्याल आया था कि डिक्शनरी में जो इम्पॉसिबल शब्द है इसे सदा सर्वदा के लिए हटा देना चाहिए। जालोरा सुपरस में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुत यम पार्टी सरबरा गुलाम नबी आजाद सलाहुद्दीन लीडरों वर्करों शिरकत कर अत मौक पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिन आव तच वर्करन पे जोर दिन आमुत तुम गलक पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान कम कर ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी में शामिल सपदन यल जन गुलाम नबी आजादन जरा इबला के नुमाइंद सत कान वो जित प जे के एस एस बी इम्तहान हवाले बोर्ड तरफ फैसल दिन आव तथे पट ग नौजवान खदश दूर करने सवाल के कदम तुलने ये युत जन नौजवान दुबार सड़कन पे इन मजबूर सपदन। मोहम्मद अमीन बट साहब, सुजाता बशीर, पी डी पी सलफ रो वन कर एग्जाम गवर्नमेंट ने मुलतवी किए और मेरी गुजारिश है सरकार से, इतने 75 साल में जम्मू कश्मीर में कभी भी एग्जाम्स रद्द किए गए हों जितने 4-5 सालों से हों, उसकी बुनियादी वजह है कि जो भी एजेंसी सरकार चुनती है वो दागदार होती, मशकूक होती, वो कई स्टेटों में उनको दाखिला भी नहीं है और कोई स्टेट उनको इस्तेमाल नहीं करती। मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर को ऐसी दागदार एजेंसियां ही क्यों मिलती हैं एसएसबी का एग्जाम करने के लिए, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को तकलीफ होती है। एग्जाम देते हैं, एक एक साल रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद है नहीं जी वो इसमें गफला हुआ, इसमें स्कैम हुआ, वो रद्द कर दिया जी।
तो इसमें गलती बच्चों की नहीं, इसमें गलती सरकार की है या जो भी एजेंसी हायर करती उसकी गलती, उसकी तह तक जाना ज़रूरी है। एक तरफ से तो उसकी तह तक जाएंगे, सरकार क्यों ऐसी दागदार एजेंसियों को इतना प्रेस्टिजियस, जहां लाखों बच्चे उनका करियर दाव पे है, ख़त्म होता है। पहले तो नौकरी मिलते नहीं है और मुश्किल से अगर कहीं वैकेंसी खाली हुई और फिर वो साल हा साल उनका रिजल्ट नहीं आता, एक के बाद एजेंसी उसको डिबार किया गया, उसके गलतियाँ उसमें ढूंढी गई, तो ये तमाम चीज़ें तो पहले क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चों को कि उनको उनकी जद्दोजहद लड़कों और लड़कियों की, चाहे वो सुबह जम्मू में हो कश्मीर में, उस जद्दोजहद में कामयाब हुए। हमारे मेरे अहदेदार भी मेरी पार्टी के जम्मू में भी शामिल हुए धरने में, कश्मीर में भी धरने में शामिल हुए। वो तो एक थोड़ा सा हम जो कर सकते थे, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि सरकार को बड़ा मोहतियात रहना चाहिए ऐसी एजेंसियां चुनने से। इन्वेस्टिगेशन कौन रोकना चाहिए? पहले तो सबसे पहले इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसी दागदार एजेंसी को चुनता कौन है और क्यों चुनता, क्या उनको वो जानकारी नहीं करते हैं? आज तो नेट पर सब अवेलेबल है, कौन साफ है नीट और किसका रिजल्ट क्लीन है और किसका करियर क्लीन है। तो ये तो पहले, आज तो वो पुराना ज़माना नहीं है ना कि 5 साल के बाद मालूम पड़ेगा वो ख़राब है। आज तो दुनिया की एजेंसी आपको नेट पे मालूम पड़ेगी कि अमेरिका में कौन सी एजेंसी ठीक है, बर्तानिया में कौन सी है, जापान में कौन सी थी। तो अपना मुल्क, वही मैं कह रहा हूँ कि जो एजेंसियाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड हैं, इन ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को, ऑर्गेनाइजेशन को यहां के इम्तिहान कंडक्ट करने के लिए कौन बुलाता है? वादी कश्मीर में ये सयान हिंद सीनस गस्नस में इजाफ उष्ण शिवान तच गुलमर्ग गंडोला सीत वबस्त जिम्मेदार उतरफ वन आमुद सयान हिंद गुलमर्ग यन सच केबल कार गुलमर्ग हिंस मौशी हालत बेहतर सपदन तो यम वरी हथ करोड़ खोते ज्यादा रेवन्यू यन वमीद दिल जन जिम्मेदार तरफ वन आव केबल कार मजीद जज्ब नजर तो दिलकश बनान हवाल कैया कदम तुलना आमुत तो ये वजह चु ज्याद खोते ज्यादा सयाह वादी ये गुलमर्ग गंडोलो सर करान। हम बहुत खुश हैं कि मुल्क के सबसे बड़े फोरम में गुलमर्ग गंडोला का नाम आ गया है। आप सही बोल रहे हैं, जैसे आपने नाम दिया है कि हम सेंचुरी क्रॉस करने जा रहे हैं, हमारा रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ टच करने जा रहा है इस साल में। तो इसमें अगर मैं बड़ा फैक्टर जो हमारा था, जो इसमें कंट्रीब्यूशन जिसका है, वो ये है कि टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जिससे टूरिस्ट फ्लो जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में और इन पर्टिकुलर गुलमर्ग में इम्प्रूव हो गया। टूरिस्ट जो है आजकल सिक्योर फील कर रहा है यहाँ आके, और गवर्नमेंट ने जो प्रमोशन कंपेन्स हर जगह स्टार्ट की टूरिस्ट को मधु करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो हमारा बड़ा कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे GDP के, और जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन उसका रोल है। गंडोला की तरफ से, केबल कार की तरफ से हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत यहाँ पे मेहनत की, मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जिससे हमने कोशिश की कि मैक्सिमम जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने की, उनको राइड करने की, और उसी से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ गया। कुछ रिपेलिंग फैक्टर्स थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बड़ा लाइन लगता था, जैसे यहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं थे कंगडोरी में, कुछ रिपेलिंग फैक्टर्स थे जो यहाँ पे टूरिस्ट्स को मदो करने में बड़ी प्रॉब्लम करते थे। उन सारे फैक्टर्स का हमने इजाला किया, हमने सोल्यूशन निकाला, हमने ऑनलाइन टिकटिंग की, हमने टाइम स्लॉट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे लाइन जो है वो ख़त्म हो गई, जो बड़ा कंट्रीब्यूटर था, रिपेलिंग फैक्टर था एक गंडोला के लिए, जिससे टूरिस्ट्स का टाइम भी वेस्ट हो जाता था। उसके अलावा हमने यहाँ पे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर लिया, हमने वॉशरूम्स यहाँ पे कमेंस कर लिए, फूड पॉइंट्स हमने कोंगडोरी में भी एस्टेब्लिश किया, हमने अफरवट में भी एस्टेब्लिश किया। तो टूरिस्ट जो अभी आ रहा है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और जो भी रिपेलिंग फैक्टर्स हैं वो हमने तकरीबन वो हमने ख़त्म कर लिए। उसी वजह से टूरिस्ट भी बढ़ गया, टूरिस्ट फ्लो भी बढ़ गया, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया। लेबर ऑफिस पुलवाम तरफ आज टाउन हॉल त्रालस में जानकारी प्रोग्राम सज करना आमुत, यथ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुलवाम
हफ्सा क्यूम तो दोमो जिम्मेदारों अलावा मुकामी दुकानदारों तो मजूर पेश लूको शिरकत कर अत मौक पे ये मुख्तलिफ स्कीमन हवाल लूकन जान फराहम करना आये तत लूकन दरपेश मुश्किल हवाल तथन दल दिन आमुत जन हफ्सा क्यूमन अत मौक पे वो महकमे मेहनत मजूर पेश लूकन हज बहबूदी बापत काम करान तो यह वजह आज त्रालस मज महकम तरफ जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत जन आम लूकन पन्न हकूकन तो महकमे मेहनत किस काम कार हवाल जान दिन ये जितनी भी सर्विसेज है वो सारे आम नहीं रहे आपने खुद को ऑप्शन पहचान के जिन या नाई लोग हैं उनको वाले हैं ड्राई फ्रूट वाले हैं दूध वाले हैं उनका जाते हैं हम ऐसे प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो हमारे लेबर लॉज हैं लोगों को अवेयरनेस हो जाए उनके बारे में. जैसे हमारी शॉप रजिस्ट्रेशन है, हम देख रहे हैं शॉपकीपर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट से. हमारा मकसद ये रहता है रजिस्ट्रेशन करने का, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेलफेयर वगैरह वो चीज़ें हम देखें, क्योंकि वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है. शॉप रजिस्ट्रेशन का मकसद ये नहीं है कि वो बैंक से अपना लोन वगैरह हासिल करें. खसूसन ये चीज़ है कि लेबर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर, उनकी रिहैबिलिटेशन, उनकी वेजेस वगैरह ये सब हम बिल्कुल है लेबर वेलफेयर के लिए. हमारे पास BOCW एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की तरफ से जो हमारे पास स्कीम्स है जिसमें हमारा एजुकेशन असिस्टेंस आता है, हमारा प्रोफेशनल है, हमारा डेथ असिस्टेंस है, ये सब स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से. जैसे कि आप जानते हैं सारे डिपार्टमेंट जो सारी सर्विसेज हैं ये ऑनलाइन है. हमारा BOCW एक्ट ये सर्विस भी ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है और जो फिर स्कीम अवेल करनी है वो भी ऑनलाइन ही है. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. हमने पिछले 2 साल में जितने भी हमारे पास पेंडेंसी थी हमने उनको रिवर्ट बैक किया है. उसमें जो भी डेफिशिएंसी है ज़्यादातर उनकी एज मिसमैच है और उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वो गलत है. किसी में डेट नहीं मेंशन है, किसी में एज नहीं मेंशन है, उस वजह से उनका कार्ड पेंडिंग है. अगर वो अपने कार्ड ठीक करके अपना वो डॉक्यूमेंटेशन ठीक करके रीसबमिट कराएंगे उनके कार्ड वापस उनको मिल जाएंगे, बन जाएंगे. श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज कई वालदेनों तरफ खामोश एहजाज करना आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल वालदेन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीरस इंसाफ फराहम करने की मांग करान एहजाज में शामिल वालदेनों तरफ शिकायत बावान वन आमुत जुदवे तिमन पन्न बचन हिंदिस मुस्तबिलस हवाल खदशात पौद सपत यह मामल मुतलिक प्राइवेट स्कूलन हिंदन जिम्मेदारन तो डायरेक्टर मौसूफ नोट्स मज तव तो डायरेक्टर मौसूफन बाजब्त हुकुमनाम जारी कौर ताहम चुन प्राइवेट स्कूल इंतजामिया तरफ हुकुमनामस पे अमल कर आम यम कि वालदेन एहजाज कर मजबूर सपद यह कत बावन लायक जी यति वादी हिंदन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलन मज वालदेनों तरफ पन्न नवनियाल बचन हूं दाखिल करने वज कसी रकम फकर सान स्कूल इंतजामिया एडमिशन किस नावस पे दिन तो हमसाय रतवाद गलूम सपदन ताहम तमि सात सरकार कुन रजू कर प्राइवेट स्कूलों तरफ मनमानी कर वालदेन पे इजाफी बोझ त्रावान रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पेरेंट्स के ऑफ द क्लासेस नर्सरी एंड केजी टेंडल बिस्को मेलनसन स्कूल के. ठीक है, तो मसला ये है कि हमारा स्कूल कह रहा है कि NEP 2020 आया तो उसके अंडर उनको एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करनी है. हम NEP 2020 को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और उसमें जो होलिस्टिक वो पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी, वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देगी. लेकिन ये उसमें सिर्फ एक पॉइंट ले रहे हैं, वो है एज क्राइटेरिया, जो कि अभी कोई और स्कूल नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्कूल कर रहा है और वो ये रेट्रोस्पेक्टिवली जो 2020 या 21 में एडमिशन हुए हैं उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और उनको एक एडिशनल क्लास जो इन्होंने UKG और इन्होंने KG को स्प्लिट किया LKG और UKG में, ठीक है, ये बोल रहे हैं अब ये उसके थ्रू जाएंगे. तो ये जो पूरे इतने बच्चे हैं 800-1600 बच्चे हैं उनका एक साल ज़ाया हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो 1600 बच्चों का एक साल हो गया, 1600 साल ज़ाया हो रहे हैं. तो ये कोई छोटा मसला नहीं है जो हम यहाँ जमा हुए हैं. उसके बाद हमने स्कूल से बहुत अच्छी तरह बात की, उनको समझाया कि सेम बैच का बच्चा जब दूसरे स्कूल में जाता है वहाँ उसको LKG बोलते हैं, तुम उसको नर्सरी बोलते हो, वो UKG बोलते हैं, तुम KG बोलते हो, वो फर्स्ट में चला जाता है, तुम कैसे फिर से UKG में डाल रहे हो. तो इक्वल बैच बाकी स्कूलों से पीछे हो रहा है. अगर तो ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से डायरेक्शन होती तो हर स्कूल में होती और हर स्कूल इम्प्लीमेंट करता और वैली के सब बच्चों को इस रजीम के थ्रू जाना पड़ता. लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल कर रहा है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बाकी स्कूलों के बच्चों से एक बैच
पीछे हो जाएंगे और ये कह रहे हैं कि इनको मतलब ये दे आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो डेढ़ साल से इस क्लास में क्या कर रहे थे ये? पहले हमारा एकेडमिक सेशन चेंज हो गया उसकी वजह से छः महीने ऐड हो गए केजी में। केजी का बच्चे ने डेढ़ साल केजी पढ़ा है, वो एक साल और केजी पढ़ के क्या करेगा? अगर ये साल उसको देना है सेवंथ में जाके, एक साल अगर उसको लगता है दे दे उधर उधर कुछ कोर्स वोर्स कर लेगा, अभी वो केजी में क्या करेगा एक साल और देकर? तो ये हमारा छोटा सा मसला। और मसला ये है कि एक कज़न जा रहा है सेम क्लास में, एक कज़न की कैसे को बोलते हैं प्रमोशन हो रही है, एक उसी क्लास में रह रहा है, या फ्रेंड की हो रही है, ये दूसरे स्कूल वालों की हो रही है, तो मेंटल ट्रॉमा है बच्चे पे। आज के बच्चे वो नहीं है कि उनको कहीं भी भेड़ों की तरह कहीं भी ले। डायरेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, इनको भी बुलाया, इनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, उधर कहा जब डायरेक्शन आएगी हमारी तरफ से, मतलब डायरेक्टर साहब की तरफ से आएगी और सब वैली के स्कूलों में इंप्लीमेंट होगी। आप अभी अलग से कुछ, हमने इससे पहले भी बात की कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ जब इंप्लीमेंट होता है वो फ्यूचर के लिए इंप्लीमेंट होता है, प्रोस्पेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट में जाके इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर 2023 में 2020 की पॉलिसी एनईपी 2020 नाम है मगर एनएक्ट 2023 में हो रही है, तो आप 2020 या 21 में जाके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? ये इससे जो बच्चों पर साइकोलॉजिकल ट्रामा हो रहा है, मेंटल ट्रामा हो रहा है, पेरेंट्स सुसाइडल होने टेंडेंसी आ रही है उनको, बिकॉज दे आर सेइंग हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है। इसके लिए स्कूल ने क्या सोचा हुआ है? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास हम गए, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, उन्होंने बाज़ाब्ता उनको नोटिस दी है कि फ्रॉम नवंबर जब तक हम इंप्लीमेंटेशन का ना बोले आप ना करो तब तक। हाँ, करंट बैचेस इस साल फॉर एग्जांपल एडमिशन हो रहे हैं उस पर एनईपी 2020 लागू करना है, ऑफकोर्स कीजिए। हम पीछे जो पुराने बैचेस पर जाके आप लागू कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर जुल्म है, गलत है, और इससे बच्चों को भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और पेरेंट्स भी इसके साथ डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ से आज एसीडी ऑफिस पुलवाम सिंदिस दफ्तर ब्रोह कने एहजाज करना आमुत, या दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने की मांग करान ऐसे एहजाज में शामिल पंचायत सेक्रेटरी तरफ से वन आमुत जदवे जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की तो सरकार स्कीम जमीनी सूत्रस पे अमलावनस में पंचायती सेक्रेटरी अख अहम रोल अदा करान ताहम चुन सरकार तरफ तिह जायज मुतालब पूर कर सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे ये मजबूर सपद एहजाज में शामिल जिम्मेदारों तरफ से एल जी इंतजामिया मांग कर आम तिंद जायज मुतालब पूर कर सवाल संजीद कदम तुलने यन युन जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की यकीनी बनाने सत पंचायत सेक्रेटरी बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपद यपर ये मुलाजमन हूं अख वफद कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मनदीप कौर समख्यो तत मनदीप कौरन तिम यकीन दुतमु जिन तरफ वतलाव आमित मसल अंजरावनस हवाल यन संजीद कदम तुलने यम पत मुलाजमो तरफ एहतजाजी कॉल फिलहाल मौखर करने आम पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन के बैनर के तले यहां डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जमा हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वसात से हमारे मसाइल हल हो जाएं। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का काम है हम बखूबी वो अंजाम दे रहे हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हों या यूटी गवर्नमेंट की स्कीमें हों, हर एक स्कीम को अमल जमा पहनाने में सेक्रेटरी पंचायत आगे है। तो हमारे भी कुछ तवक्कात हैं अपने डिपार्टमेंट से कि हमारे जो दीरीना मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मैं मोटे मोटे तौर पर यह कहूँगा कि हमारा पहला जो मसला है ग्रेड पे अनामली का मसला है, वो चूँकि हमारे सरबरा कैपेबल सरबरा जो है, काबिल एहतराम सरबरा जो है मैडम जी, उसके टेबल पे हमारी फाइल रुकी पड़ी है। हम इस मंच के वसातत से चाहते हैं कि उसका इजाला जल्द जल्द किया जाए। नंबर दो, जो हमारी हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, सबॉर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल्स है, उनकी इजराई जल्द जल्द की जाए और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि पंचायत एक्ट के मुताबिक हर एक पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी का होना लाजमी है, न कि दो दो तीन तीन। हम तीन तीन पंचायत हल्कों में काम करते हैं पंचायत सेक्रेटरी, और वो भी 40, 45 और 50 किलोमीटर की दूरी पे। लिहाजा इस आपकी मसात से हम मजबाना गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे ऊपर इंसाफ किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे जो सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। कुलगमस में आज इंतजामिया तो महकमे दही तरक्की तरफ मिशन यूथस तहत तरबियती प्रोग्राम सांस कर आमुत, ये इंतजामी के जिम्मेदारों अवमी नुमाइंदों तो मुकमी नौजवानों शिरकत कर अत मौक पे ये नौजवान तरबियत फराहम कर आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जितन प्रोग्राम हिंद सांस कर सक नशा मुक्त भारत अभियान कामयाब बनानस मज आसानी सपद लगाते थे तो ट्रेडिशनल बाग पर लैंड अटैच करें
उस जमीन को सरकार के नाम करते जिसपे लालू नारकरा बड़गमिस में आज महकमे जंगलात तरफ तकरीबी सांझ कर आमुत यथ जिला तरक्की थी कमिश्नर बड़गो महकम के जिम्मेदारों अहलकारों अलावा अवमी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौक पे ये बोन कुल अहमियत तो इफादियत गशन आई तथे कैया बोन कुल तागन आमुत जन जिम्मेदारों तरफ वन आव शजरकारी मुहिमे दौरान इन ये वर् बोन कुल तागन ये सम पहचान बरकरार रोज जैसे आपने खुद कहा कि ये जो हमारी जो हेरिटेज है कश्मीर की वो चिनार से मानी जाती है तो ये भी सच है कि चिनार की जो ये पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है तो इसी कड़ी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक रोल दिया गया कि कैसे इस चिनार ट्री को हम फिर से एक कश्मीरी हेरिटेज का पार्ट और पार्सल बनाए जो इसका नंबर जो है जो कम होता जा रहा है इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि इसका नंबर इसकी कंजर्वेशन इसका प्रिजर्वेशन और इसका प्रोपेगेशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिम्मे सौंप दिया गया है। पिछले एक दो सालों से हमने अपने नर्सरीज में चिनार को एक अहम रोल दिया है हम अपने नर्सरीज में प्रोपेगेट कर रहे हैं और बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूशन के दायरे में लाके हम लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट यपर्च शांग अनंत नाग मे आज महकमे जंगला तरफ तकरीब सांझ कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों अहलकारों अलावा पुलिस अवमी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौक पे ये कैया बोन कुल लागन आई तथे वन आमुत बून वादी हिज पहचान तो अमिश हिफाजत यकीनी बनाने बापत पज प्रथिस ब्रो कुन युन युत जन यह पहचान ब्रो पकन मसानी सपद तरफ आज खानपुर बड़गमिस मौ विद्यालय के सहनस मे शजरकारी मुहिम सांझ कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों अवमी नुमाइंदों अलावा स्कूल इंतजामिया तलब इलमो शिरकत कर अत मौक पे ये कैया कुल लागन आई तथे जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ग्रीन जम्मू कश्मीर बनाने बापत जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा कुल इन लागन मेरे ख्याल में उसकी ये चौथी कड़ी है आज के दिन में जिसकी मैं इनॉग्रेशन यहाँ कर रहा हूँ। आज चिनार हमने आज यहाँ पर लगा दी केंद्रीय स्कूल का जो ये एरिया है बड़ी बात है यहाँ पे कि यहाँ बेटियों से यहाँ पर इस्तकबाल कराया गया जिस तरह बेटियों को इंसानों में एक रोल है एक हैसियत है इसी तरह से पेड़ों के अंदर भी चिनार का है। चिनार को जहाँ तक चिनार का ताल्लुक है इसको शजर कहते हैं अरबी में ना पेड़ को दरख्त को शजर कहते हैं। शजर का माना होता है लड़ने वाला जो तपिश और गर्मी के साथ लड़े और इंसानों को साया दे। जिस तरह आप मैं बेटियों का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि हम बेटियों को भी बेटा कहकर पुकार सकते हैं लेकिन आज महकमे जंगलात तरफ तकरीबी सांझ कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों तो अहलकारों अलावा पुलिस अवमी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौक पे ये कैया बोन कुल लागन आई तथे वन आमुत बून वादी हिज पहचान तो अमिच हिफाजत यकीनी बनाने बापत पजि प्रथिस ब्रो कुन युन युत जन यह पहचान ब्रो पकनस मसानी सपद देखो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ही लोग हमारी मैसेज लोगों तक पहुंचाते हो। तो ये जो आज ये चिनार डे पूरे जम्मू कश्मीर में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे एंड के श्री मनोज सिन्हा साहब की ही डायरेक्शन पे ये ऑर्गेनाइज हो रहे। तो इसी तरह हमने सोचा कि आपको पता है आई एम लुकिंग टू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेरिटोरियल एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम एंड अनंतनाग। हमने सोचा है कि जिस जो मैंने कल ही पूरे रेंज ऑफिसरों को डायरेक्शन दी कि
कि जितने भी हमारे पास टेरिटोरियल रेंज है या सॉयल कंजर्वेशन के रेंज है, तमाम रेंज अफसरों को मैंने डायरेक्शन दी, हर रेंज में ये जो चिनार के दरख्त है इस वक्त हर रेंज में प्लांटेशन हो रही है। तो सबसे बढ़िया जो प्रोग्राम तो हमारे मेरा जो राइट साइड में बैठा है रेंज अफसर कुठार, उसने अच्छी तरह से यहाँ ऑर्गेनाइज किया। आपने भी ये देखा, लोग भी एसटी लोग आए हैं, बाकी लोग आए हैं, मीडिया के लोग आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से लोग हैं, सब लोग यहाँ मिल के हमने आज यहाँ पे ये जो चिनार के दरख्त लगाए। खास बात है मेरे साथ हैं इस वक्त जो DDC चेयरमैन है मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब, तो उनको भी हमने मदद किया, उसके वो भी एक टीम लेके आया है। मेरी मैसेज है जो लोग इस ग्रीन गोल्ड को मतलब काटने के पीछे लगे हैं, तो उनके मेरी गुजारिश है वो इस ग्रीन गोल्ड को, ये जो सब्ज सोना है हमारा, उसको मत समझे कि सिर्फ जंगलात वालों का फॉरेस्ट है, ये हम सब लोगों का फॉरेस्ट है। हम आज के दिन पे जो ये चिनार डे है, हम अहद करेंगे कि इस सब्ज सोने को हम मिल के बचाएं। तो नाजरीन इत सत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।